दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं गूगल की एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में। जैसे कि सपोज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में एक ऐसी माइंड ब्लोइंग और एक ऐसी नई ट्रिक के बारे में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आप भी नहीं जानते होंगे ये ट्रिक के बारे में। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं गूगल पे कुछ भी लिख देता हूं, जैसे कि सपोज यहाँ पे यूट्यूब करके मैं सर्च करता हूं, यहाँ पे यूट्यूब तो यहाँ पे आ ही जाएगा। जो कि यहाँ पे देख सकते हो जो कि रिजल्ट है वो नॉर्मल सा हो रहा है, मतलब आप बोलोगे इसमें क्या खास है। जैसे कि सपोज यही गूगल में सपोज यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 2 3 4, जैसे ही मैंने लिखा जो कि अपना पासवर्ड, जैसे यहाँ पे मैं 1 2 3 4 जैसे लिखता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मेरे मोबाइल के यहाँ पे छुपे हुए फोटोज वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। जो कि आप कैसे ये फोटोज वीडियोस को छुपा सकते हो अपने गूगल के ब्राउजर में, हाँ जी आपने सही सुना, जो कि आपके मोबाइल की गैलरी में नहीं होगे, आप खुफिया तरीके से अपने मोबाइल में छुपा सकते हो। जो कि ये ऑसम ट्रिक बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप फोटोज वीडियोस को यहाँ पे छुपा सकते हो और ये गूगल की तरह काम करता है। जैसे कि सपोज ये एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया, यहाँ पे देख सकते हो ये गूगल है, सामने वाले को लगेगा कि ये कुछ भी यहाँ पे आप सर्च करोगे यहाँ पे सर्च हो जाएगा गूगल में। जो कि यहाँ पे देख सकते हो जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो यहाँ पे गूगल के रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब आप जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड डालते हो अपना, जो भी पासवर्ड लिखोगे, जैसे कि सपोज कोई भी नंबर लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे एक वर्क जो कि नॉर्मल सा करेगा, जैसे कि 53 लिखा मैंने, यहाँ पे नॉर्मल सा कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 मैंने लिखा, तो मेरे मोबाइल के खुफिया जो कि मैंने राज जो है यहाँ पे फोटोज वीडियोस है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो कि यहाँ पे देख सकते हो सीक्रेट फोल्डर करके मैंने यहाँ पे ओपन किया है। कैसे ये फोल्डर को एक्टिवेट कर सकते हो, कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता दूं। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हो टेक्निकल मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल। तो बिना वक्त ज़ाया वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहे। और यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है। जैसे ही शेयर कर देते हो यहाँ पे आपको नीचे कुछ भी कमेंट लिख देना है, जैसे कि सपोज नाइस कूल ऐप, या फिर आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, अपना नाम साथ ही साथ लिख देना स्पेस देके, जिससे कि मुझे भी पता चलेगा कि आप भी हमारा वीडियो देखते हो। जैसे ही आप कमेंट कर देते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एप्लीकेशन की। जैसे ही आप कमेंट कर दोगे यहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। जैसे ही डाउनलोड करते हो आपको यहाँ पे सेटअप कर देना है, जो कि स्टार्टिंग में आपको पूछेगा कि आपको पासवर्ड क्या सेट करना है। जैसे ही आप पासवर्ड सेट कर देते हो, जो कि आपको यहाँ पे पासवर्ड आपको पूछना होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक पासवर्ड सेटअप करने का पूछेगा, जो कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 में जैसे ही लिखता हूँ, यहाँ पे लिखने के बाद आपको जो भी पासवर्ड आपने सेटअप किया होगा, जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 जैसे ही लिखा जो कि मैंने पासवर्ड सेटअप किया है, तब यहाँ पे बड़ा सा सेटिंग में जाके पासवर्ड चेंज कर सकते हो या फिर सेटअप कर सकते हो। डिफॉल्ट पासवर्ड होगा 1 2 3 4, जैसे कि सपोज 1 2 3 4 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लिखने के बाद अगर आपका न्यू पासवर्ड कुछ भी होगा यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि सपोज यहाँ पे 111 यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया 4 times 1, फिर यहाँ पे वापस से यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर दोगे, सपोज यहाँ पे मैं वापस से 1 2 3 4 लिखूंगा, जैसे कि सपोज आपको मैं बता दूं यहाँ पे 1 2 3 4 लिखता हूँ, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पे जो पासवर्ड सेटअप करना होगा, जो कि आपने जो सेटअप किया होगा वही आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि सपोज अभी मैं 1 1 1 4 times लिखूंगा, तो मेरे मोबाइल में वो फोल्डर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट यहाँ पे देख सकते हो फोल्डर आ चुका है। अगर आपको फोटोज वीडियोस हाइड करने होंगे प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद फोटो और वीडियो पे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे अपने मोबाइल की गैलरी में से कोई भी फोटो को ले सकते हो। जैसे कि सपोज यहाँ पे फेसबुक का लोगो ले लेता हो, फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ चुका और आपके मोबाइल की गैलरी में से यहाँ पे हट चुका। तो ये ट्रिक के बारे में आपको बताना जरूरी था। तो आज के नंबर से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलेगा। रोजाना मेरे चैनल पे टेक रिलेटेड वीडियोस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।